कि जनता जनार्दन का अगाध विश्वास नरेंद्र मोदी जी की जनकल्याणकारी योजनाओं में है। हम सभी प्रतिबद्ध हैं दिल्ली की जनता की सेवा के लिए, नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के विजन को, इस संकल्प को सिद्धि में तब्दील करने में। नई दिल्ली सीट से बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज हमारे साथ है। बांसुरी जी, लगातार आप मैदान में रही, उम्मीद थी इतनी शानदार जीत आपकी होगी। जी, मुझे पता था और मैं इस बात में आश्वस्त थी कि जनता जनार्दन का अगाध विश्वास हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की जनकल्याणकारी योजनाओं में है और उनकी लोकप्रियता में है। इसलिए मैं जानती थी कि दिल्ली की जनता 7 की 7 सीटें भाजपा की झोली में डालेगी और मैं कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ दिल्ली की जनता की कि उन्होंने पुनः भाजपा पर विश्वास दिखाया और इस बार 7 कमल खिलाए हैं। मैं जानती हूँ कि मैं और मेरे साथ ही सांसद इलेक्ट हम सभी प्रतिबद्ध हैं दिल्ली की जनता की सेवा के लिए और नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के विजन को, इस संकल्प को सिद्धि में तब्दील करने में। आपके अंदर लोग सुषमा जी की छवि देखते हैं, उनका देखते लगता है कि आपकी जिम्मेदारी और बढ़ गई है। बड़प्पन है लोगों का कि वो माँ की छवि मुझ में देखते हैं, लेकिन मुझे लगता है जिम्मेदारी इसके कारण नहीं बढ़ी क्योंकि मैं सुषमा स्वराज की बेटी हूँ। जिम्मेदारी इसलिए बढ़ी है क्योंकि मैं नरेंद्र मोदी की सिपाही हूँ, क्योंकि मैं दिल्ली वासी हूँ, क्योंकि दिल्ली की जनता ने मुझ पर विश्वास जताया है। अब मैं पूरी कोशिश करूंगी कि अपेक्षाओं पर खरी उतरूं। सवाल, क्या कुछ प्लान है 100 दिन में करने का? कोई बड़ा दिमाग में सोचा हो नई दिल्ली में करने का? जी, काफी चीजें हैं, उसके लिए अलग से एक प्रेस वार्ता भी होगी, लेकिन 2 बातें हैं जो आपके माध्यम से पुनः दोहराऊंगी। एक तो एक स्टार्टअप हब जरूर शुरू करूंगी, स्टार्टअप इंडिया और लखपति दीदी से इंस्पायर्ड, जहां पर आप एक नेसेंट आइडिया लेकर आ जाइए और उसको फलित करने के लिए सारा ज्ञान आपको एक छत के नीचे मिलेगा। और दूसरा, सरकारी कर्मचारियों के लिए एक सहयोग पोर्टल हम लोग शुरू करेंगे, वेबसाइट भी होगी, मोबाइल एप्लीकेशन पर होगी, जहां पर सरकारी कर्मचारी निर्भीक होकर अनाम तरीके से भी यदि अपनी समस्याएं रख देंगे तो उनकी पुरजोर आवाज बनने के लिए मैं संकल्पित हूं। तो ये थी बांसुरी स्वराज जी, नई दिल्ली सीट से लोकसभा सांसद है और जिस तरह से चुनाव में उन्होंने मेहनत की और उसका जो रिजल्ट सामने आया उसके बाद गदगद है और सीधे तौर पर कहती है कि जो वायदे अपनी कैंपेन के दौरान उन्होंने नई दिल्ली सीट के लोगों से किए उन वायदों को जरूर पूरा करेंगे। उसके साथ साथ नई दिल्ली के मतदाताओं का भी धन्यवाद देती हुई नजर आई है। कैमरामैन अनिल के साथ मुकेश गुप्ता, दिल्ली।